जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है, लेकर T20 वर्ल्ड कप का एक और मैच। क्वालिफायर्स चल रहे हैं, पहले ही दिन बड़ा अपसेट हमने देखा। आपने देखा कि कैसे नामीबिया ने श्रीलंका को एक बड़े मार्जिन से 55 रन से धो डाला। दूसरी तरफ दूसरे मैच में रिजल्ट थोड़ा एक्सपेक्टेड ही रहा कि नीदरलैंड जीत गई UAE के खिलाफ। अब तीसरे मैच की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज वर्सेज स्कॉटलैंड। एक तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भारत के हिसाब से ना टाइम बड़ा अजीब है, मतलब लगभग पूरा 24 घंटे का अंतर है। इंडिया में जनरली मैच नाइट में शुरू होते हैं, यहाँ जैसे ही आँख खुली तो मैच शुरू है। 9:30 बजे सुबह ये मैच शुरू होगा, तो उसी हिसाब से ही आपको टीम वगैरह बना लेनी है, मैनेज कर लेनी है, ताकि आप किसी गलत फहमी में ना रहो कि पता नहीं कितने बजे मैच शुरू होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें क्या है, इंडियंस को इवनिंग में मैच देखने की आदत पड़ी हुई है, तो वैसा नहीं होना है। दिन में होगा और सुबह 9:30 बजे मैच शुरू होगा भारत के समय के अनुसार, वहां शाम के 4 बजे होंगे। प्लेइंग 11 पे चर्चा होगी, फैंटेसी टीम, स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग के हिसाब से बनाएंगे वीडियो में। ये बात शुरू करूं, सबसे पहले आप कर लो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मेरा। कैसे करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। ये सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का और ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करने का। इन केस लिंक से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तब क्या करें, तब ये करें कि सीधे जाएं टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके सर्च करें क्रिकेटोलॉजी, जो मेरे चैनल का नाम है। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चैनल दिखेंगे, उसमें से ये वाला चैनल जिसकी डिटेल अभी आपकी स्क्रीन पर पोस्टेड है वही आपको ज्वाइन करना है। यूजर नेम @mohitcricketologist जरूर 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 और ध्यान से मैच कर लेना। इसके अलावा आप किसी भी फेक चैनल पे मत जाना, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी ठगी हो सकती है। IPL वर्ल्ड कप इन सब में प्राइम वराइम का चक्कर बहुत चलता है और मैं वो कुछ देता नहीं, ठीक है, सब जो कुछ है फ्री है। मैच पे आ जाते हैं, प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की। तो जो 15 का स्क्वाड है वेस्ट इंडीज का, उसमें से जो बेस्ट प्लेइंग 11 बन रही है वो कुछ इस तरीके से है। जॉनसन चार्ल्स के साथ काइली मेयर्स ओपन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ऐसा हुआ था। 3 नंबर समारा ब्रूक्स खेलेंगे, जिनको लकीली जगह मिल गई हेटमेयर की जगह। 4 नंबर ब्रेंडन किंग खेलेंगे, 5 नंबर कप्तान पूरन, 6 नंबर रोबन पावेल, 7 नंबर होल्डर, 8 ओडियान स्मिथ, 9 नंबर अकील हुसैन, 10 नंबर अल्जारी जोसेफ और 11 ओवेड मैकॉय। बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें हम, तो ओवेड मैकॉय इनके पहले बॉलिंग ऑप्शन, अल्जारी दूसरे, होल्डर तीसरे, 4th बॉलिंग ऑप्शन अकील हुसैन, 5th बॉलिंग ऑप्शन की भूमिका या कहिए 6th की ओडियान स्मिथ और मेयर्स मिलती रहे। ये टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम में बन रहे हैं, जिसमें होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और ओवेड मैकॉय पूरा करेंगे अपना कोटा, ओडियान स्मिथ और मेयर्स मिलके 4 ओवर करेंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर ओडियान को विकेट मिल गए स्टार्टिंग में या मेयर्स को मिल गए, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे वो प्लेयर पूरे 4 ओवर कर दे और दूसरे को मौका ना मिले, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा, ओडियान स्मिथ को प्रमोट डिमोट सिचुएशन के हिसाब से करता रहेंगे। हालांकि अगर मैं इस टीम का कोच होता तो मैं ओडियान स्मिथ को कभी भी 8 नंबर पे नहीं खिलाता, वो एक्स फैक्टर काइंड ऑफ प्लेयर है। तो इतने बड़े प्लेयर को आप ऐसे नीचे नहीं रख सकते। आपको पता है ओडियान स्मिथ का 10 बॉल पे 30 रन 35 रन वाला प्लेयर है, जो गेम का मोमेंटम बिल्कुल चेंज कर देता है। तो अगर मैं सेलेक्टर होता तो यहाँ की जगह इनको 3 नंबर पे मौका दे देता कि जाओ 3 नंबर पे खेलो, जितनी बॉल खेल सकते हो मार के और आ जाओ घर, ताकि बाकी लोगों के लिए इजी रहे। खैर खैर वो मैनेजमेंट की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वेस्ट इंडीज की बात है। स्कॉटलैंड की बात करें तो मैथ्यू क्रॉस के साथ ओपन करेंगे जॉर्ज मुंसी, 3 नंबर खेलेंगे कैलम मैकलॉयड, 4 नंबर रिची बैरिंगटन जो कि कप्तान है, 5 नंबर माइकल जॉन्स, एक चांस ये भी कि जॉन्स की जगह माइकल लिस्क को खिला दिया जाए, ऑलराउंडर है ग्रीव्स, अच्छा इनकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, ए और आना था ग्रीव्स, सुफियान शरीफ, मार्क गॉड, जॉस देवी, ब्रैडली व्हील और हमजा ताहिर। तो इसमें भी अगर बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें हम, बैटिंग ऑर्डर यही रहने की संभावना है। तो पहला बॉलिंग ऑप्शन इनका ब्रैडली व्हील, दूसरा जॉस देवी जो कि पेस बॉलर है, तीसरा हमजा ताहिर स्पिनर है लेकिन डेथ में बॉलिंग करता है, ये बात ध्यान रखें, 4 नंबर वॉट, 5 नंबर सुफियान शरीफ, ये 5 लीड स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है इनके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, 6 नंबर ग्रीव्स, 7 नंबर बैरिंगटन, 2 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास और हैं जिनको ये एट टाइम्स किसी मेन बॉलर का दिन खराब होने पर ट्राई कर सकते हैं। जस्ट क्रिस ग्रीव्स जो है
वो बॉलिंग जरूर करेंगे, एक ओवर करें, दो ओवर करें या चार ओवर करें, ओवर कट किससे सकते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में मैच है, यहाँ पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। हमने पहले दोनों मैचेज में देख लिया कि पेसर्स के लिए ज्यादा हेल्प है, तो ओवर कटना ये जो कुछ अनफेयर चीजें होंगी वो स्पिनर के साथ ही होने की संभावना है। तो मार्क वॉट के ओवर कर सकते हैं, कट सकते हैं, हमजा ताहिर के ओवर कट सकते हैं, ब्रैडली विल, डेवी, सुफियान शरीफ ये अपने पूरे ओवर डालेंगे। सुफियान शरीफ कई बार महंगे साबित हो जाते हैं तो इनके भी कट सकते हैं, लेकिन डेवी भी पूरे डालेंगे ऐसी उम्मीद है, पावर प्ले प्लस डेथ का मिला के। ठीक है, तो ये बॉलिंग ऑप्शन दोनों टीमों से बन रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर सेम। आ जाते हैं श्रीलंकन टीम पे, सॉरी श्रीलंका पड़ गया मैं इसको इसको स्मॉल लीग टीम पे। स्मॉल लीग टीम आपको खेलने का है, स्मॉल लीग टीम आपको ट्राई करना करनी है। तो दोस्तों अभी जुड़िएगा विजन 11 ऐप से, बहुत शानदार ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, और आज की डेट में मेरे ख्याल में उससे बेटर फैंटेसी ऐप है नहीं। मेरे पीछे से थोड़ा शोर हो सकता है, आ रहा हो बच्चे खेल रहे हैं, तब खेलने दो, ठीक है, क्योंकि हम भी खेल की बात कर रहे हैं। तो फैंटेसी जहां भी स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग जो भी आप खेले, विजन 11 पे खेलिए, बहुत अच्छा ऐप है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स पे, टेलीग्राम में दिया हुआ है। बेधड़क खेलिए, 100% ऑथेंटिक ऐप के साथ, कोई किसी तरह का कंसर्न नहीं है, बोनस का बहुत अच्छा यूज होता है। उसके अलावा मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने पर आपको हर मैच में फ्री गिव अवे मिलता है। तो अभी जुड़िएगा, और लिंक मैंने बता ही दिया है कहां दिया हुआ, टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे। आ जाते हैं स्मॉल लीग टीम पे, क्या होने जा रही है स्मॉल लीग टीम आपकी इस मैच की। तो देखिए विकेट कीपिंग में आपके पास जो चॉइसेज हैं वो क्या है बताइए। आपके पास है निकोलस पूरन, जॉनसन चार्ल्स और मैथ्यू क्रॉस, ठीक है। अब इसको आप लेंगे किसको इन तीनों में स्मॉल लीग टीम में? मैं प्रेफर कर रहा हूं पूरन को। अब क्यों कर रहा हूं बता देता हूं, देखिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ्यू क्रॉस और चार्ल्स ये दोनों टेंटेटिव प्लेयर हैं। टेंटेटिव मतलब कि चले तो चांद तक, चाइनीज आइटम की तरह, ना चले तो। पूरन रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और सॉलिड प्लेयर है, हालांकि बैटिंग यहाँ थोड़ी 5 नंबर पे इनकी आ रही, हो सकता है 3 पे भी खेले पूरन अभी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर अभी बहुत पीछे जितने मैच हुए सब एक्सपेरिमेंट वाले मैच थे, तो उससे कहा नहीं जा सकता कि कौन कहाँ खेलेगा। तो 3 से 5 के बीच में पूरन कहीं भी खेलेंगे, और उम्मीद ये कि बैटिंग आएगी और ठीक ठाक बैटिंग आएगी। तो ऐसे में विकेट कीपर के तौर पे मैं पूरन को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी फाइनल डिसीजन टॉस के बाद हम लोग लेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, ठीक है। 3 बैटिंग ऑप्शन में लेके जा रहा हूं, कौन है? जॉर्ज मुंशी है, बैरिंगटन है, और ब्रेंडन किंग। 1, 2, 3, 3 बैटिंग ऑप्शन, 1 विकेटकीपर, ठीक है। 3 ही ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं हम, कौन कौन है? काइरी वेयर्स, ऑस्ट्रेलिया में अक्सर पहला ओवर डालेंगे ये और अक्सर विकेट भी लेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। होल्डर है, उनके साथ क्रिस ग्रीव्स, मुझे जस्टिन ग्रीव्स याद आ रहा है, बार बार पता नहीं क्यों, जस्टिन ग्रीव्स वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, देखो स्पेलिंग भी एक बार में सही नहीं लिखी जा रही, पहले ग्रीव्स लिख दिया, ग्रीव्स ग्रीव्स लिख दिया। तो ये 3 ऑलराउंडर हो गए, ये 3 बैटर हो गए, 1 विकेटकीपर हो गए, ठीक है। अब बॉलिंग ऑप्शन, तो बॉलिंग में जो पेस ऑप्शंस वेस्ट इंडीज के हैं उन सबको मैं लेके जा रहा हूँ, और उनके साथ लेके जा रहा हूँ एक ऑप्शन स्कॉटलैंड से। क्या किसको लेके जा रहा हूं पहले देखें, जोसेफ, ओवेड मैकॉय और ओडियान स्मिथ। बात यही खत्म नहीं होती है, मार्क वॉट को लेके जा रहा हूं। अब है क्या वेस्ट इंडीज की जो टीम है ना, इसमें पेस को तो सब अच्छा खेलते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा कोई नहीं खेलता है सिवाय शेमरू ब्रूक्स के। तो ब्रूक्स के अलावा बाकी कोई भी प्लेयर स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलता है, ऐसे में मार्क वॉट को मल्टीपल विकेट मिल सकते हैं, इसीलिए यहां पर मार्क वॉट को मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बना, कैप्टन और वाइस कैप्टन, काइली वेयर्स मेरे कैप्टन होंगे क्योंकि गेम कवर सबसे ज्यादा इनका है और फॉर्म अच्छी है, और वाइस कैप्टन जेसन होल्डर,
ये पावर प्ले में भी झटके दे सकते हैं और एक ओवर दो ओवर डेथ में भी डालने आएंगे, वहां भी विकेट लेने लगे हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेयर्स और होल्डर टीम स्क्रीन पर देख लीजिए, ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरीके से ये टीम हो रही है। ठीक है, अब मिनी ग्रैंड लीग टीम पे। तो मिनी ग्रैंड लीग में पहला बदलाव, पहले सबसे पहले पूरन की जगह चार्ल्स को ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा ब्लफ है। ठीक है, बैटिंग ऑप्शन पर किंग भी रहेंगे, बैरिंगटन भी रहेंगे, यहां कोई बदलाव नहीं है। मुंशी की जगह मैं सवारा ब्रूक्स को लेके जा रहा हूं क्योंकि ब्रूक्स सॉलिड बैट्समैन है और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक मैनेज कर लेते हैं, तो मतलब एक तरीके से एडिशन अच्छा रहेंगे खासकर मिनी ग्रैंड लीग टीम में। ऑलराउंडर सेक्शन में कोई बदलाव नहीं है, मेयर्स रहेंगे, होल्डर रहेंगे और ग्रीव्स रहेंगे, नो चेंज। ठीक है, बॉलिंग ऑप्शंस में एक चेंज है और वो क्या है, वो ये है कि ओबेड मैकवाय की जगह हमजा ताहिर को मैं लेके आ रहा हूं, बाकी जोसफ भी रहेंगे, ओडियान स्मिथ भी रहेंगे और मार्क वॉट भी रहेंगे, नो चेंज। बस हमजा ताहिर, मतलब कहने का ये है कि जो स्मॉल लीग टीम थी उसमें सिर्फ तीन बदलाव हमने किए और आपकी स्मॉल मिनी ग्रैंड लीग टीम बन गई। कैप्टन अलजारी जोसफ रहेंगे इस टीम के क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे जो एक्स्ट्रा उछाल है वहां इनके मजे आ जाएंगे और मजा आएगा इनको गेंदबाजी करने में, और जो कद है जो स्पीड है ये बहुत बड़ा हिट साबित हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के लिए इस वर्ल्ड कप में। वाइस कैप्टन काइली मेयर्स को यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ कैप्टन थे, यहाँ वाइस कैप्टन की भूमिका दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बॉलिंग उतनी ना मिले इसलिए। तो स्क्रीन पर देख लीजिए अपनी मिनी ग्रैंड लीग टीम, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आ जाएंगी किस तरीके की टीम डिजाइन हुई है। अब आ जाते हैं ग्रैंड लीग टीम पे। तो ग्रैंड लीग टीम में विकेट कीपिंग में फिर से चेंज, यहाँ पे मैथ्यू क्रॉस को मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि वेस्ट इंडियन जो विकेट कीपर है उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, ऑल्दो क्रॉस का भी गिव कवर एक्सीलेंट रहेगा क्योंकि वो भी विकेट कीपर है। ठीक है, वो विकेट कीपिंग विकेट कीपर होने के साथ ओपनर भी है। तीन बैटिंग ऑप्शन यहाँ पे, ब्रेंडन किंग यहाँ फिर से हमारे रेगुलर फीचर रहेंगे, नो चेंज। चेंज कहाँ होगा, ऊपर दोनों जगह समर ब्रूक्स की जगह रोबमन पावेल को दे रहा हूं मैं और बैरिंगटन की जगह कैलम मैकमायर को लेके जा रहा हूं मैं। तो फिर से तीन बैटिंग ऑप्शंस, ऑलराउंडर यहां पे सिर्फ इस बार दो, और दो ऑलराउंडर ऑप्शन कौन कौन है, काइली मेयर्स हैं और ग्रीव्स हैं। होल्डर को यहां पे ड्रॉप किया है मैंने और उनकी जगह थोड़ा सा एक और वेस्ट इंडीज का डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शन लिया है जो विकेट लेने के लिए जाना जाता है और स्कॉटलैंड जैसी टीम को परेशान कर सकता है, कौन है देख लेते हैं। यहाँ पे ताहिर और वॉट दोनों को ड्रॉप कर लिया किया है जो स्कॉटलैंड के बॉलर्स थे और उनकी जगह आए हैं ब्रैडली हील और जॉस डेविड। वेस्ट इंडीज के बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो अलजारी जोसफ एज इट इज है, नो चेंज। ओडियान स्मिथ है, नो चेंज। और तीसरा जो ऑप्शन जिसकी मैं बात कर रहा था होल्डर की जगह, वो है अकील हुसैन। ये आपको पता है बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं अकील हुसैन, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बॉलिंग ऑलराउंडर आप इनको कह सकते हैं, नॉट ओनली बॉलर। कैप्टन ओडियान स्मिथ, कारण दो, अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करके थोड़ा ठीक ठाक 170 के आसपास स्कोर पोस्ट करता है तब ये गेम में आ सकते हैं, या वेस्ट इंडीज पहले भी बैटिंग करता है तो भी आ सकते हैं कि तेज रन बना सकते हैं, 30-35 रन की तेज तर्रार पारी देंगे और इनकी 35 रन की पारी ऐसी आएगी जो आपको 50 पॉइंट देके जाएगी। क्यों, उसमें परसेंटेज ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री में भी छक्के की परसेंटेज ज्यादा होगी आपको पता है, स्ट्राइक रेट बेटर होगा बहुत, मतलब 200 के आसपास का रहेगा तो आपको वो स्ट्राइक रेट के 6 पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये कि एक 30-35 की पारी भी 50 पॉइंट वहां पार करवा देगी, प्लस एक या दो विकेट भी इनको मिल सकता है। तो एक 150 से 180 के गेम में अगर आपका कैप्टन आपको 80 पॉइंट देता है, 100 पॉइंट देता है तो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए कैप्टन ओडियान स्मिथ और वाइस कैप्टन क्रिस ग्रीव्स, ये बहुत सॉलिड प्लेयर है क्रिस ग्रीव्स स्कॉटलैंड के, इनको भी ना भूलें। ठीक है, तो दोनों टीमों के कैप्टन वाइस कैप्टन हमने डिस्कस कर लिए इस ग्रैंड लीग के, स्क्रीन पर देख लीजिए टीम प्रेजेंस, आपको समझ में आ जाएगी टीम की किस तरीके से है। ठीक
ठीक है, ये कहानी हुई आपकी टीम की। मेरी तरफ से इस मैच में हमारी बात खत्म होती है। आपको क्या करना है, आपको चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबानी है, बाकी हमारा मेल मुलाकात का सिलसिला तो एज इट इज बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, आज के दूसरे मैच का वीडियो भी चैनल पे आने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा। और प्रो कबड्डी तो हम खेल ही रहे, वहां भी जुड़ना ना भूलें। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।